विधायक जी, मुहर्रम भी आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ताजिया रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी? बिल्कुल, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबको अपना धर्म मनाने का हक है। ये लोकतंत्र प्रजातंत्र है देश, कहीं हिटलर सारी यहाँ के ऊपर नहीं है। मैं यही सरकार से कहूँगा कि जिस तरह अभी तक वो गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा माता जी का वो हो, या मुहर्रम ताजिया का हो, सबको मनाया मनाने दिया जाए, इससे कोरोना पे, हाँ आप नियमों को बनाइए कि 5 या 8 से ज़्यादा नहीं भाग ले सकते हैं, अब ताजिया नहीं रखने देंगे। अब कई लोगों ने हमसे शिकायत किया तो हमने कहा नहीं ताजिया रखने, हम लोग भी कहेंगे शासन प्रशासन से, सबसे कहेंगे कि ये परंपरा जो चली आ रही है त्योहारों की, इसको न तोड़ा जाए। देखिए त्योहारों से आपसी समन्वय, मुहर्रम जैसा त्यौहार जिसे हिंदू मुसलमान सब लोग मनाते हैं करते हैं, ताजिया हिंदू मुसलमान सभी रखते हैं, ये बहराइची नहीं पूरे हिंदुस्तान की हमारे परंपरा है। अब गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म न किया जाए, मैं मोदी जी से और माननीय योगी जी से मैं ये अनुरोध करूँगा, शासन प्रशासन से। हालांकि अभी तक योगी और मोदी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप ताजिया ना रखें, त्यौहार न मनाएं। जहाँ तक मेरे संज्ञान है प्रशासन बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है खुश करने के लिए, ये है, और तमाम जगह रखी जा रही है उत्तर प्रदेश में। और हमको, मैं यही अनुरोध प्रशासन से करूँगा कि यहाँ भी रखने की अनुमति है। आप सोशल डिस्टेंसिंग है, आप जो है कि इतने लोग ताजिया में 5 या 8 आदमी 10 आदमी ये शामिल हो सकते हैं, इसका ध्यान रखवाइए, इस पर सख्ती कीजिए ताकि त्यौहार भी हो जाए और इस बीमारी से भी बचा जाए। अब केवल ताजिया रखने से ही क्या महामारी फैल रही, ये तो वो एक शब्द हमारे सामने आया था, आपदा में अवसर का तलाश, तो अब अवसर को तलाश लिया, त्यौहार है, लोगों को परेशान करो, हिंदू मुसलमान करो, गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करो। मैं इसके विरुद्ध, मैं चाहता हूँ त्यौहार हर कोई, ये प्रजातंत्र लोकतंत्र हमारा देश, और सबको मनाने का अपना अपना त्यौहार अधिकार है, हक है। और मैं अनुरोध करता हूँ सरकार से भी कि त्यौहारों को न रोका जाए, ताजिए वगैरह रखने की परमिशन दें, जो परंपरागत तरीके से रखी जा रही थी। हिंदू मुसलमानों दोनों का त्यौहार है मुहर्रम, इसलिए इसे मनाने दिया जाए। बहराइच के थाना दरगाह में रेलवे क्रॉसिंग के पास जल भराव में एक डेड बॉडी बरामद हुई, जिसके पास से नशीले इंजेक्शन और चरस भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। बहराइच से केके न्यूज संवाददाता गुलनूर खान की रिपोर्ट।